आइए वेलकम टू अनवर कॉमर्स क्लासेस। आप लोग आज मैं बताने जा रहा हूँ कंपनी के बारे में। एक चैप्टर है ट्वेल्थ का कंपनी जो पार्ट बी से आता है और आज हम पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। ये कॉमर्स में सीबीएसई बिहार बोर्ड आईसीएसई बोर्ड सब में क्वेश्चन आता है इससे। और इस बार चूंकि सिलेबस शॉर्टेज हुआ है 70% सीबीएसई बोर्ड का, तो 70% वाले स्कोरिंग में इसको इंटरनल में पूछा जाएगा और बिहार बोर्ड में तो आएगा ही क्वेश्चन, आईसीएसई बोर्ड में भी इंटरनल में क्वेश्चन होंगे। यहां से हम टोटल आपको इस चैप्टर का 4 वीडियो रिलीज करेंगे, जिसमें आज एक पहली वीडियो के थ्योरी का होगा, फिर सेकेंड वीडियो इश्यू ऑफ शेयर्स के होंगे, और थर्ड वीडियो फोर डेटा का होगा, एंड फोर्थ वीडियो फॉरफिटेड एंड रीइश्यू का होगा। अलग अलग देंगे ताकि वो समझने में आसानी हो। और जब वीडियो आप मेरा देखना शुरू करें तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे और हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे, क्योंकि हम प्रायः वीडियो बनाते नहीं, ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो सोचा है चलिए आप लोग लिए आए अच्छा से वीडियो बनाए। आइए बात करते हैं, अब हम लोग आज बात करते हैं कंपनी पे। याद रखिए कंपनी का जो एक्ट होता है वो 2013 एक्ट होता है, 2013 एक्ट होता है जो कंपनी को रेगुलेट करती है। सो डू नॉट डिस्टर्ब में लगा दीजिए। तो कंपनी के बारे में परिभाषा क्या देता है आपको एक राइटर है हैने, इसका डिफिनेशन मिलेगा आपको हैने के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 2013 के अनुसार कोडिंग आएगा। आइए हम आपको हैने का परिभाषा बताते हैं, हैने महोदय ने इसको किस रूप में डिस्क्राइब किया है इसको देखते हैं, ठीक है। तो हैने कहते हैं क्वेश्चन में कि ए कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके ऐसा कहता है एंड क्रिएटेड बाय लॉ और फिर कहता है सेपरेट इंटिटी, एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड इट हैड कॉमन सील। इसका मतलब होता है कंपनी राज नियम द्वारा लिखने में कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, यह क्या हो गया आपको कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है बनावटी आदमी। आप देख रहे हैं हम आदमी है, वो आदमी है, राजू आदमी है, मदन आदमी, कोई आदमी है, इसके पास कॉमन राइट्स होते हैं, इसका राइट्स का पालन कीजिएगा तो मानवाधिकार में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, आप केस करेगा या आप भी उस पर केस करेंगे। कृत्रिम व्यक्ति मतलब होता है दैट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, जिसको हम आप बनाते हैं, जिसको हमारा कानून बनाता है वो कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो इसको कौन सा कानून बनाया भैया, यह 2013 अधिनियम बनाया है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है वो याद रखें कि 60% जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहां भी आएगा, सीबीएसई बोर्ड में तो लिखने वाला रहेगा, तो यहां आपको याद क्या रखना है कंपनी अधिनियम क्रिएटेड बाय लिख के छोड़ देगा, कंपनी अधिनियम कौन बनाता है तो वहां पे लॉयर भी रहता है, तो वहां कुछ नहीं 2013 बनाता है, 2013 बनाता है। तो कंपनी अधिनियम कितना है 2013 और क्या है यहाँ कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है यह एक आदमी की तरह काम करता है, यह अपने नाम से सेट्स को परचेज कर सकता है, अपने नाम से सेट्स को सेल कर सकता है वगैरह। तो हम समझते हैं कि ये वाली टॉपिक जो आपको समझ में आ गया कृत्रिम व्यक्ति क्या है। ये कंपनी से बाहर एक वर्ड्स बता दिया आपको जो याद रखना है, ये सोल ट्रेड हो गया, एकाकी व्यापार या पार्टनर्स जिसको साझेदारी कहते हैं। सोल ट्रेड का निर्माण जो होता है वो कंपनी एक्ट किसी भी कानून के द्वारा नहीं होता है, साझेदारी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 2013 एक्ट के द्वारा होता है। तो उसमें देखिएगा साझेदारी अधिनियम में कि कहता है कि पार्टनर शरीर ऐच्छिक है, कंपल्सरी नहीं है, बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, चलिए वो तो बाद में बताएंगे, पर यहाँ पे हम इस माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि वैसा कोई भी कंपनी कोई भी फर्म, कोई भी व्यवसाय या कोई भी काम जिसका
निर्माण बाय द लॉ होगा, उसका डिसोल्यूशन बाय द लॉ होगा, याद रखिएगा। शादी करेगा कोर्ट मैरिज, डिवोर्स भी होगा कोर्ट में। शादी कीजिएगा समाज में, बराती ले जाकर तो समाज इसका निर्णय करेगा, ठीक ना। तो क्या कहते हैं, यज्ञ कृत्रिम व्यक्ति है, बनावटी व्यक्ति है, कानून बनाता है, तो इसका जो समापन होगा, इसका जो लिक्विडेशन होगा वो कानून करेगा। तो चलिए पहले समझ गए, क्रिएटेड बाय द लॉ, इसको कौन बनाता है भाई, कानून बनाता है, या कानून तो बता दिए। आगे सेपरेट एंटिटी, जो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, सेपरेट एंटिटी के, सेपरेट एंटिटी जब कहते हैं तो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है वैधानिक अस्तित्व। इसका अस्तित्व किसमें छुपा हुआ है, कानून में छुपा हुआ है, बाय द लॉ करता है। परपेचुअल सक्सेशन, याद कीजिए, देखिएगा आप वहां पे बहुत अच्छा ढंग से, परपेचुअल सक्सेशन होता है इसमें, इसका मतलब होता है अस्थाई जीवन काल। इसका हिंदी क्या हो गया, अस्थाई जीवन काल, अस्थाई जीवन काल, अस्थाई जीवन काल। ये मरता कंपनी कैसे है, जीता कंपनी कैसे है, नहीं सबके पीछे माया है, नहीं अनवर सर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ इसके बाद क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन में, अस्थाई जीवन काल है इसके। ऐसे जीवन काल किसने सीमा समाज होता है भैया, अंशधारी में, यानी शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर में। कहा गया है कि शेयर होल्डर कैन बी गो कैन बी कम कंपनी नेवर गो, अंशधारी मर सकता है, अंशधारी जा सकता है, अंशधारी आ सकता है, मगर कंपनी नहीं जाएगा, कंपनी रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी के चले जाने पर दूसरा जैसे खरीदार उसका बायर हो जाते हैं। इसका क्या कहा है, परपेचुअल सक्सेशन, इसका अस्थायी जीवन काल है। देखिएगा कि कोई कोई कंपनी होगा जो 500 साल से होगी, 100 साल से होगी, हम लोग मर जाएंगे, उस कंपनी का मालिक जो टाटा साबित किया कोई किया वो मर जाएगा, मगर वो रहेगा। चलिए उसके बाद क्या लिखे इसको, ठीक है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, इसका सही चुकी होता है सार मुद्रा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुहर। मुहर समझ लीजिएगा, नहीं अच्छा करके ट्रैक, मतलब उस पर मुहर मारता, लिख देगा कि हाँ अनवर कॉमर्स क्लासेस मुहर मार दिया, कंपनी हो गया, उसका चेक लेकर आप जाएंगे तो बैंक में भेजेगा, मुहर नहीं रहेगा तो वो नहीं भेजेगा। चलिए पहला क्वेश्चन, डिफिनेशन ऑफ द कंपनी। अब आइए टाइम्स ऑफ द कंपनी बताते हैं, टाइम्स ऑफ द कंपनी समझिए, कंपनी के प्रकार क्या क्या है। अगर आपको विस्तृत रूप में और कुछ जानकारी चाहिए हमारे से, या कुछ और वीडियो आपको चाहिए, तो मेरा नंबर तो जानते रहिएगा 9304543904, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसको कॉल करेंगे ऑफिस से, फिर क्या करके नाइट में कॉल ना करें, मैं रिसीव नहीं करता हूँ, डे वर्किंग टाइम में कॉल करिएगा, हम आपको जरूर आपका जवाब देंगे और इस पर बात करेंगे। कोई भी एजुकेशन कॉमर्स का नॉलेज चाहिए कुछ जरूरी हो तो कॉल कर सकते हैं। तो कंपनी के प्रकार बाबर अगर देखोगे तो कंपनी का जो काइंड ऑफ कंपनी है, काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार, ऐसे तो हम लोग बनावट के आधार पर भी कंपनी का आधार करते हैं, लोकेशन के आधार पर डिफरेंस करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी जो निजी कंपनी कहते हैं और पब्लिक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। तो आइए, ऐसे भी होता है एक व्यक्ति वाली कंपनी, नहीं निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, गारंटी कंपनी, सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी, बहुत सारी कंपनी, कुछ कंपनी का नाम मैं बता देता हूं याद रखना, एक व्यक्ति वाली कंपनी। देखिए एक व्यक्ति वाली जो कंपनी होता है ना, प्राइवेट कंपनी होता है, एक ही आज रेगुलेट करता हो, वो उस कंपनी का शेयर जो खोजेगा स्टॉक एक्सचेंज पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी आज मान लीजिए आज तारीख 18/7/2020 आज मैं बता रहा हूँ, अभी आप जियो कंपनी जाके शेयर मार्केट में जियो का शेयर खोजे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एक कंपनी को अनिल अंबानी रिलेट करे, उसका घर का ही आदमी रहता है, एक दो आदमी बाहर का नहीं है, वो निजी कंपनी होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक कंपनी एक व्यक्ति वाले, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, दैट इज द कंपनी विच रेगुलेटेड बाय ओनली वन पर्सन, दैट इज ऑनर इज ओनली वन पर्सन, इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। एक कंपनी होता है एक से ज्यादा होता है, एक अलग होता है निजी कंपनी, निजी कंपनी का क्या होता है, प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी यानी अपने परिवार के दो चार आदमी मिलकर उस कंपनी को खोल रहे, कम से कम दो आदमी होना चाहिए तो वो कंपनी खोलेगा। उसके बाद क्या होता है, उदाहरण दिया लघु कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, देशी कंपनी, विदेशी कंपनी, सब दिख रहे हैं ध्यान है। देखिए ये सब नाम से ही लग रहा है कैसे 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 कंपनी हो। लघु कंपनी कैपिटल के मामले में छोटी हो, इलेक्ट्रिक बिजली का खपत कम करता हो, इसका एरिया सर्कुलेशन कम होता होगा, नहीं उसी प्रकार से कंपनी आ गया। कौन कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी, पब्लिक है सब जानती है, गाना सुने पब्लिक है सब जानती है। तो पब्लिक कंपनी में सबका कंट्रीब्यूशन होता है, एक आदमी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप भी शेयर खरीद सकते हैं, हम भी शेयर खरीद सकते हैं, कोई आवाम का कोई आदमी शेयर खरीद सकता है डीमैट अकाउंट खोलने के बाद। दूसरा है देशी कंपनी, नहीं देशी कंपनी विदेशी कंपनी जो डिफरेंस होता है ना, ये लोकेशन के आधार पर होता है, एरिया के आधार पर होता है। मतलब जो फॉरेन का कंपनी है, अभी भारत क्या क्या जो भी चीनी है बाहर जाओ, वीवो बाहर जाओ, ओप्पो बाहर जाओ, नहीं तो जो भी विदेशी कंपनी कहां कर दिया वो बाहर जाओ, तो वो इसमें नहीं होंगे। आगे है देशी कंपनी, नहीं देशी कंपनी जो अपने यहाँ क्या कंपनी है इंडिजिनियस होना चाहिए, ऐसे इंडिया में इंडियन कंपनी जैसी होगी, अमेरिका में अमेरिकन कंपनी जैसी होगी, और जहां भी जाएंगे वहां कंपनी क्या कहेंगे, उस देशी कंपनी को देशी कंपनी कहेंगे। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन है जो आप लोग अपने अपने बुक में खोलिए और देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सब में आता है। अगर जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं और कभी आपको अकाउंट में रट गए और अकाउंट में नहीं लड़ा, तो ये मत सोचना कि खराब हो गया, ये रटा हुआ मेरा बेकार हो गया, वह कंपनी वह बीएससी में पूछेगा। और जिसका इकोनॉमिक्स जहां पर इंटरप्रेन्योरशिप है ईपीएस उद्यमिता, वहां भी क्वेश्चन आते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कहते मार्केट कम चलने लगा है, दूसरा निजी कंपनी का हिंदी क्या होगा, निजी कंपनी, निजी कंपनी ऐसा हिंदी कहा, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। अभी भी बताया ना पब्लिक है सब जानते हैं, आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो निजी कंपनी में क्या रखेंगे कि पहले आइए सदस्य यानी मेंबर के आधार पर, मेंबर के आधार पर देखो निजी कंपनी में जो कम से कम होगा, कम से कम लोएस्ट कितने बनता होंगे, दो, कम से कम कितने होंगे दो, और मैक्सिमम जो अधिक से अधिक होता है, अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम कितने होंगे 200। याद रखिए मोदी जी के समय से पहले नहीं था, हमारे मोदी भैया ने आया और रूल्स में कुछ परिवर्तन किया, ये अच्छी बात है। ज्यादा आदमी कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा लोगों को पैसा लगेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, कंपनी का स्केल और एरिया बढ़ जाएगा, अच्छी बात है, हम इसको समर्थन करते हैं। तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो, याद रखिएगा मैक्सिमम कितने होंगे 200। बच्चा इस बात को याद रखना, बस इसको याद रखोगे ऑब्जेक्टिव यही दिया जो मैं घेर दिया। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने होंगे सैलरी, अधिक से अधिक कितना भी है ना, कुछ भी हो सकता है। तब कोई पर कितना भी माने कितना, पूरा भारत के 130 करोड़ लोग उसके मेंबर हो सकते हैं, तब बोलती बंद हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग ये कहेंगे कि भैया कम से कम या अधिक से अधिक क्या होगा कि शेयर, शेयर की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर, ये समझने के लिए दिए हैं, मगर आंसर ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, तो विकल्प पहले रहेगा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मानेंगे, अनलिमिटेड विकल्प नहीं है तो ये आंसर मानेंगे, मगर पहला राइट बनता है अनलिमिटेड का। चलिए तो ये हो गया। फिर होता है आपको जनता को निमंत्रण, नहीं जनता को इन्वाइट करना है, इन्विटेशन दीजिए, नहीं बर्थडे पार्टी पर निमंत्रण दीजिए कि आ जाओ खाने एनिवर्सरी, आप भी आ जाओ मेरे यहाँ। इन्विटेशन में क्या होता है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी क्या बोले घर के ही मेंबर, उसे जान पहचान के लोग होते हैं 200 में, यानी जो मेरे पुराने अधिकारी होते उन्हीं का मेंबर होगा, पब्लिक लोग आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे
कि इन्विटेशन में प्राइवेट कंपनी में यह पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगा। क्या करेगा? पब्लिक को इनवाइट नेवर, कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह पब्लिक का आदमी, पब्लिक का चीज है ही नहीं। किसको इनवाइट करेगा? अपने ही आदमी को इनवाइट करेगा। ये किसको इनवाइट करेगा? पब्लिक को, पब्लिक को इनवाइट करेगा। पब्लिक कहेगा भैया आ जा, मेरे बुरे वक्त में तुझे फंसा दिया था, तो आज तुमको कहना छोड़ेंगे। ये कहा नहीं, मैं अपने सीमित दायरे में जीता हूँ और उसी को बुलाऊंगा, दूसरा आदमी हमको नहीं कर सकता। समझ में आ रहा होगा? तीसरा नंबर देखिएगा, इसमें शेयर को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर का मतलब क्या था? हस्तांतरण करना, अपना अंश किसी को, दूसरे को देना। न न न ये जो होगा जनता को नहीं दे सकता, जनता को नहीं दे सकता, ये अपना आदमी को नहीं दे सकता, याद रखिएगा। ये किसको देगा? ये पब्लिक को देगा। किसको देगा? पब्लिक को देगा, खुद या शेयर नहीं रख सकता है। अंतर समझिए, ये जो होगा शेयर जो है जनता को ट्रांसफर नहीं करता है, मतलब ये अब जिसका मालिक किसी को एक्स नाम का आदमी का शेयर है और एक्स मर गया, तब उसका शेयर का मालिक कौन होगा? तो उसका शेयर का मालिक उसका जो नॉमिनी होगा, बेटा भतीजा चचा, वही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये पब्लिक कंपनी में, अगर पब्लिक कंपनी में क्या होगा कि अगर वो बंदा मर जाता है तो शेयर में जो नॉमिनी होगा वो रहेगा, मगर वो पब्लिकली शेयर को फिर से बेच सकता है, रीशूट कर सकता है, या पब्लिकली को रीशूट नहीं कर सकता है, या फिर उसी कंपनी को डायरेक्टर के सामने उसको अस्थायी रूप से सरेंडर करता है। चलिए तो आइए चौथा बताते हैं, टॉपिक आता है इसका, इसी में आता है बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट ये आफ्टर एमालगमेशन, आफ्टर एमालगमेशन यानी समामेलन के बाद, समामेलन के बाद अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। समामेलन के बाद अपना व्यवसाय चालू कर सकता है, चालू कर सकता है। इसमें क्या होगा? इसमें इतना को कॉपी करके पेस्ट कर दो, मतलब इतना तो होगा ही होगा, यानी यह एमालगमेशन के बाद, के बाद बिजनेस स्टार्ट करेगा, स्टार्ट याद रख, स्टार्ट करेगा, परंतु बिजनेस स्टार्ट का भी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। चलिए याद कर लीजिए क्या होगा, ये आफ्टर एमालगमेशन अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, और यह जो बंदा होगा यह एमालगमेशन के बाद जस्ट नहीं चालू करेगा, बल्कि एमालगमेशन के बाद बिजनेस स्टार्टअप का सर्टिफिकेशन जब उसका होगा तभी वो कर सकता है, वरना ऐसे नहीं कर सकता है, है ना, ऐसा करने में बंद जाएगा। इसको क्या होता है कि वैधानिक लीगल सभा बुलाने का राइट, मतलब जोड़ी नहीं पड़ता है, इसको वैधानिक सभा बुलाने की जरूरत पड़ता है। एक होता है प्रोस्पेक्टस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए आप लोग, हम लोग यहाँ पर अब समझ के होइएगा। अब यह जो क्वेश्चन पूछेगा यह तीन नंबर का क्वेश्चन रहेगा, चाहे बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बिहार के द्वारा तीन नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें इतना जितना मैंने बता दिया उतना अगर आप याद रखते हैं तो आपका हो जाएगा, आप वहां पे डील कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बात मैंने जो नंबर था ये बता दिए। आइए एक नया चीज आपको पढ़ाते हैं, कंपनी, कंपनी आप लोग भविष्य में खोलिएगा, नहीं कंपनी खोल के ही लोग मिलने आ रहा होता है, करोड़पति होता है, ऐसे नहीं बन सकते। आइए एक नया टॉपिक आपको इसी कंपनी का शेड्यूल टू बताते हैं, शेयर, एस एच ए आर ई, शेयर सर कहने क्या होता है, ये कहां आ गए अंश, अंश का मतलब क्या होता है, अंश किसे कहते हैं, है ना, आपके शरीर से ब्लड निकालता है, बता देता है कि भैया तेरा ब्लड बी ग्रुप का है, वो पॉजिटिव है, तो बी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर है, रिसीवेबल है वगैरह, यानी उसके एक कतरा भी उसको यह बता देता है कि इसका पैमाना क्या होगा।
तो बिजनेस में जो होगा बाबू जो कैपिटल होता है, क्या होता है? कैपिटल होता है, उस कैपिटल को न्यूनतम इकाई को शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम इकाई को शेयर कहते हैं। शेयर यानी याद कैसे रखेंगे? द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की न्यूनतम इकाई क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। इस बात को सूत्र समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है जिसका कैपिटल है मात्र 5 लाख, हालांकि इतना कम पर पान का दुकान भी हमारे कॉमर्स में नहीं खुलता है, इस पर 4-5-0-3-4-0 और बढ़ाना हो कम से कम 50 लाख या 5 करोड़ से नीचे कंपनी नहीं खोलना चाहिए। जनता का पैसा है यार, अपना पैसा थोड़ी डूबना नहीं चाहिए। तो मान लीजिए 50 लाख का शेयर है, नहीं 50 लाख का कैपिटल, क्या है कैपिटल? कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। ये बता दिया है, नहीं बताया हिंदी इसका नहीं रहता है। कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। अब मान लीजिए कि कहता है कि हम जो शेयर बांटेंगे डिवाइड करेंगे वह जनता से पैसा लेंगे, और एक बार जनता में है कि हमको तुमको 50,000 रुपए शेयर देना है, तो 50,000 का एक सामान देंगे तो आपको ग्राहक कम मिलेगा, बल्कि 5 रुपए सामान देंगे तो बहुत आदमी ले लेगा पैसा, नहीं? तो यह क्या करता है कि इसका घटा के कहता है कि हम आपको जो देने जा रहे हैं उसमें एक सामान का दाम, याद रखें, एक सामान का दाम 100 रुपया। तो पहले एक बात भी हम गलती बोले हैं जानबूझ के, उसको सुधार दे ताकि दिमाग में रहेगा शेयर समान नहीं होता है, ठीक ना? हम समझाने के लिए समान बोले। तो एक थिंग्स है, एक यूनिट है, मना लीजिए यूनिट का दाम लिखा है 100 रुपए। जैसे 100 रुपया का नंबर ऑफ शेयर निकाली, नंबर ऑफ शेयर हिंदी का शेयरों की संख्या, चूंकि यहां पर हमने लिखी है 5 लाख और एक का दाम कितना 100 रुपए, डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 5,000। इसका मतलब है कि 5,000 लोगों से अगर हम लोग 100-100 रुपया ले लेंगे तो हमारा 5 लाख शेयर हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या कहता है? अंश से आस है, एक कंपनी की अंश पूंजी में के एक भाग से है, इसे कहता है क्वेश्चन में सेक्शन 284 कहता है। इसे परिभाषा कहा दिया है, इसका डिफिनेशन है मिलेगा आपको कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 284 में इसका डिफिनेशन है। इस बात को याद नहीं रखना, ये नहीं पूछता है व्हाट इज शेयर, इतना बात आएगा, मतलब सेक्शन वगैरह इधर नहीं पूछेगा, ठीक है? तो कहता है कि शेयर मीन्स ए पार्ट ऑफ इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इन विच इंक्लूड ए स्टॉक। आइए अब इन स्टॉक में कहा करें स्टॉक, अब जरा एक बार आप लोग बताइए नंबर ऑफ शेयर निकालिए। मान लीजिए कंपनी का कैपिटल है 1 लाख, शेयर एक का दाम है 1,000, कितना हो जाएगा? ऐसे काटोगे यानी 100 शेयर होगा, 100 आदमी से 1,000 मांग लेंगे तो 1,00,000 रुपए आपको हो जाएंगे। आइए शेयर के काइंड को समझते हैं। स्मार्ट बोर्ड लगाना चाहिए ना, काइंड ऑफ शेयर, काइंड ऑफ शेयर अंश के प्रकार, अंश के याद यही रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि इतना हम तो रिक्वेस्ट करेंगे बिहार बोर्ड से भी इतना हल्का क्वेश्चन कभी ना पूछे कोई बना लेगा। अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शेयर, टू टाइप्स, कितने टाइप्स होंगे? टू टाइप्स। अंश दो प्रकार के होते हैं, याद रखना अंश दो प्रकार के। और ध्यान तो अभी बताने जा रहे हैं आपको, ये यहां से क्वेश्चन आता ही आता, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आपको बिजनेस स्टडीज में पूछेंगे, अकाउंट से ज्यादा। तो अंश कितने प्रकार के होते हैं बाबू रे? दो प्रकार के होते हैं, याद रखना कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शेयर्स। पहले टाइप्स का नाम है प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर, इसका हिंदी होता है पूर्वाधिकार, याद रखना ये दो वर्ड, पूर्व प्लस अधिकार, हम समझाएंगे प्रिफरेंस शेयर। और सेकेंड होता है का नाम है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर यानी समता अंश। देखिए मालिक का नाम हम बाद में लिखे हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश।
पहले समझ लेते हैं पूर्वाधिकारांश क्या होता है, समतांश क्या होता है, फिर इसके काइंस पर हम चलेंगे। मेनली याद रखना है कि जो प्रिफरेंस शेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी शेयर दो प्रकार के, प्रिफरेंस और इक्विटी। तो यहाँ पे कहता है प्रिफरेंस कहने का पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकारांश द पूर्व प्लस अधिकार, पूर्व अधिकार किससे, याद रहेगा किससे, समतांश। दूसरा याद रखिएगा यह कंपनी का है ना ओनर होता है, ओनर का स्वामी होता है, मेरे नाथ आइए स्वामी नहीं होता है, इसको केवल डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलेगा, लाभ हिस्सा नहीं मिलेगा, तो लाभ हिस्सा मिलेगा, वो जो हमसे डिफरेंस पढ़ाएंगे ना, वह डिफरेंस प्रिफरेंस एंड इक्विटी शेयर वहां पे बताएंगे। पहले यहाँ पर देखिए कौन सा शेयर प्रिफरेंस है, इक्विटी शेयर होगा, यही दो शेयर होता है। अब प्रिफरेंस शेयर का प्रकार देखिए, प्रिफरेंस शेयर कौन कौन से प्रकार होते हैं, नहीं इसको हम रहने देते हैं और आइए हम देखते हैं टाइप्स, काइंड ऑफ प्रिफरेंस, प्रिफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, कहेंगे क्या होगा पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। चलिए इसके प्रकार में ए बी सी डी सब लिख लेते हैं, कहीं तो इसका पहला लिखिए, कहते हैं बेसिस ऑफ, क्वेश्चन देखिएगा लिखता है कॉम्बिनेशन संचयिता के आधार पर, नहीं संचयिता जमा पूंजी के आधार पर, नहीं संचयिता के आधार पर, बहुत उलंग इसका हिंदी है, हिंदी में लिखेगा लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, बी नंबर लिखेगा कि सहभागिता पार्टिसिपेशन और सरप्लस प्रॉफिट, बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, उसके बाद होता है बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन बेसिस यानी शोधनीयता के आधार पर, याद रखेंगे क्या होता है शोधनीयता के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन यानी परिवर्तन के आधार। इसका एक्चुअली में सब किताब में आपको दिया होगा, किताब उठाएंगे तो परिवर्तन के आधार पर जो कन्वर्सन किया जाता है इक्विटी में प्रेफरेंस में बदला जा सकता है उस पर दिया रहता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, जिससे दिक्कत होगा से मेरा नंबर दिया होगा तो बात करिएगा, हम आपको बताएंगे, है ना। आइए अब जो मेन टॉपिक है तो क्वेश्चन पूछता है, यह लास्ट होगा, और कैपिटल का प्रकार बताएंगे, क्योंकि वीडियो एक घंटा से ज्यादा होने जा रहा है तो हम शॉर्टेज भी पूछते हैं इसको, चार वीडियो क्लास का मिलेगा तो कोशिश करते हैं कि वीडियो खत्म करते हैं, टैक्स बताते हैं। आइए याद रखें डिफरेंस बिटवीन प्रिफरेंस एंड इक्विटी, पहला प्रिफरेंस है, पहला इक्विटी। याद होगा कि हम पहले ही बताए हैं आपको प्रिफरेंस शेयर इज द ओनर ऑफ कंपनी, प्रिफरेंस शेयर कंपनी क्या होता है स्वामी होता है मालिक होता है, इक्विटी शेयर कंपनी का स्वामी मालिक नहीं होता है, सेकेंडरी मालिक कह लीजिए उसको। चलिए पहला क्वेश्चन है लिखिए लाभांश, इसमें डिविडेंड होता है, क्या ही होता है लाभांश, याद रखिए इस बिंदु को आप समझ गए ना तो दोनों का डिफरेंस समझ जाइए, सिखा रखिए जैसे कि हम इसको समझाएंगे लिखा है नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है यहां लिखे मिलता है, अब समझना कैसे है मिलता है नहीं मिलता है, तो आपको लिखना है एग्जामिनेशन में पूर्वाधिकार अधिकारियों को लाभांश नहीं, लाभांश मिलता है यहां नहीं मिलता, गलती लिखा गया, वेरी सॉरी, लाभांश मिलता है और यहां नहीं मिलता, आप लिखेगा प्रिफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एंड ऑफ सेशन, वर्ष की समाप्ति पर इसको लाभांश मिलता है, जो लाभांश नहीं मिलता। दूसरा शेयर इन प्रॉफिट, इसका हिंदी क्या होता है लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा, इसलिए याद रखिए इनको लाभ में हिस्सा नहीं मिलता, क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है,
इसको यह ओनर है, लाभ हमेशा मिलेगा, लाभ हमेशा मिलेगा। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट, वोट नहीं करता, याद रखना नहीं करता, ये वोट करते हैं, वोट करता है, याद रखना। क्या है प्रिफरेंस होल्डर जो है ना, वोट कभी भी नहीं करता है और वो वोट करता है ना। ये अभी अभी लिखे चार प्रकार के, ये टाइप्स जो होता है ये लिखे, इनके प्रकार होते हैं, इनके प्रकार होते हैं, ये एक ही प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, होते हैं, है ना। उसका लिखिएगा कि नेक्स्ट उसे लिखिएगा कि मैनेजमेंट में, या मैनेजमेंट में ये भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। ये मैनेजमेंट में भाग कुछ और है, देख लीजिएगा इन, ये पहला वीडियो कहीं पे इन होता है। अब आपको स्वेट समतांस के बारे में बताएंगे, और स्वेट समतांस क्या होता है, कैसे इशू होता है, किसको देते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स कहाँ के आदमी होते हैं, कहाँ से आते हैं वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको सेकेंड वीडियो में मिलेंगे। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई सुझाव हमको देना तो मैं लिंक पे आप शेयर करेंगे और कोई मशवरा देंगे, हम आपको जवाब बहुत जल्द निश्चित देंगे। और प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, यह वीडियो अनवर कॉमर्स क्लासेस मिठनपुरा के थ्रू रिलीज किया गया, मैडम अनवर सर है और वीडियो बनाते हैं। चलिए, थैंक यू।